मैं हूं विनय और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। देखिए आज है सैटरडे, सैटरडे का दिन रखा है मैंने डीआईवाई के लिए और अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आ रही है, तो प्लीज अपना सहयोग जरूर दें। तो आज हम बनाने वाले हैं गार्डन डेकोर के लिए डीआईवाई, तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या बनाया और आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और आप इसे बनाएंगे तो आपको बनाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम बेकार चीजों से बहुत खूबसूरत चीजें बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम महंगी महंगी चीजें लगाएं, तो अपने हाथ से जो हम बनाते हैं ना उसका जो मजा है वो अलग ही होता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जो बेकार लकड़ी के टुकड़े पड़े रहते हैं इससे हम बहुत ही अच्छा अपने घर का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के मैंने ये तीन पीस लिए हैं और आप चाहे तो जो पुराना गत्ता होता है उसे भी कट कर सकते हैं और उसमें पीओपी लगा लें तो वो ठीक हो जाएगा। और इसमें हम देखिए यहाँ पर इसमें होल करेंगे ताकि ये हैंग हो जाए, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले इसमें होल कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों देखिए जो हमने ये लिए हैं लकड़ी के ये टुकड़े, ये कार्डबोर्ड पीस, इन पे हम छेद कर लेते हैं। तो ये देखिए हो चुका है इसमें छेद, इसी तरीके से मैं जितने भी छेद करने हैं उतने होल बना लूंगी इसमें। तो दोस्तों ये देखिए इसमें होल हो चुके हैं, ये देखिए इक्वल मैंने होल किए हैं इसमें। इस तरीके से आपको तीनों में करने हैं, ये आप देख रहे हैं बराबर बराबर किए हुए हैं। चलिए अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। पेंट करने के लिए लिया है मैंने ये फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर, तो मैं ब्लैक से कर रही हूँ, आपका जो मन हो जिस कलर से आप करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से पेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से पेंट हो चुका है, बाकी हम सभी को इस तरीके से कर लेते हैं। तो इसके बाद देखिए इसमें मैं कोट लिखने वाली हूँ, जो भी आपको पसंद हो, जिसे पढ़ के आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए तो वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिखती हूँ। तो मैं इसमें लिखने वाली हूँ, देखिए ये है पॉजिटिव माइंड। तो मैंने देखिए इसमें लिखा है ये पॉजिटिव माइंड। चलिए इसी तरह हम दूसरा तैयार कर लेते हैं, उस पर भी हम बहुत अच्छा सा कोट लिखेंगे। तो दूसरा हम लिख रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव वाइब इसमें हम लिखेंगे। तो देखिए मैंने कोट लिख लिए हैं, इसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो चलिए इसे डेकोरेट करते हैं। तो इसके बाद देखिए मैंने ये लिया है एयर ड्राई क्ले, तो उसको हम मिला लेते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों देखिए अच्छी तरीके से मिल चुकी है और इसके हम छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें मैं इस पे लगाऊंगी, आप चाहें तो इसका यूज भी कर सकते हैं, इससे काफी अच्छी फिनिशिंग आती है, हाथ से भी आ जाती है। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसको चिपकाने से पहले हम थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं। तो मैं इसमें फ्लावर बनाने वाली हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए इस तरीके से आप बना लें,
और इसमें थोड़ा सा हम डिजाइन निकाल देते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए, और इस साइड भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। तो दोस्तों इसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं, ये देखिए मोल्ड है ये, और इनमें मैं ये क्ले डाल रही हूँ, और इससे फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है। हाथ से भी आती है लेकिन इससे बहुत ज्यादा आती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और एक्स्ट्रा हम निकाल लेते हैं। देखिए और यहाँ पे लगा लेते हैं हम ग्लू। और इसको इस तरीके से निकाल देंगे, और इसको देखिए इस तरीके से लगा देंगे हम, थोड़े से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए देखिए इसे मैं सारे लगा लेती हूँ, इसके बाद थोड़ा सा हम इसे कलर कर लेंगे इसमें। इसके बाद देखिए हम फ्लावर में कलर कर देंगे। तो दोस्तों जब तक पीला सूखता है कलर, तब तक हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए तैयार हो चुके हैं, थोड़ा बहुत देखिए व्हाइट वगैरह लग गया है, तो इसकी फिनिशिंग मैं अच्छे से कर लूंगी। और इसके बाद देखिए ये जो मैक्रम की रस्सी है, इससे हम इसको हैंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। दोस्तों देखिए हमारा कितना सुंदर डेकोरेटिव पीस बनकर तैयार हो गया है, और बिल्कुल अपने हाथों से बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो देखने में। तो आप बेकार चीजों से बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। और देखिए मैक्रम रोप है ये, और इसको थोड़ा सा मैंने खोल लिया है। तो दोस्तों ये था आज का DIY वीडियो, आई होप आप सबको जरूर पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी साथ साथ जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।